भारत पर 29 जुलाई से सावधान इंडिया अपनी नई स्पेशल क्राइम सीरीज को टेलीकास्ट करने जा रहा है जिसमें हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ब्यूटीफुल एंड गॉजस लेडी सुकीर्ति कांटपाल सुकीर्ति जी सबसे पहले तो ऑनलाइन टीवी की तरफ से आपका लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी टू इन लखनऊ क्या कुछ कहना चाहेंगी लखनऊ के बारे में लखनऊ में आप आई आपने यहाँ पे क्या घूमा कुछ परचेज़ किया जी नहीं अभी तक तो मैं मैं लैंड हुई और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की यहाँ पे और पर मैं काफ़ी घूमी हूँ लखनऊ में और अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं यहाँ की क्विजीन और यहाँ के हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स को वापस से रिविज़िट करना चाहूँगी सुकीर्ति तो जी आज आप काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे और कैसे मेंटेन करती हैं आप अपने आप को थैंक यू सो मच आई ब्यूटी का क्रेडिट तो मुझे अपने जीन्स को ही देना पड़ेगा सेकेंडली माई मेकअप एंड हेयर टीम मेंटेनेंस तो बेसिकली इफ यू आर एन आर्टिस्ट अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको करना ही पड़ेगा वो आपको अपने थोड़ा डाइट एंड थोड़ा जिम से करना पड़ता है तो बात करते हैं आपके शो की सावधान इंडिया की तो कितना अलग होगा ये पहले के शो की अपेक्षा क्योंकि जिस तरह से ये वेब सीरीज आ रही है आई थिंक पाँच एपिसोड्स रहेंगे तो आप आपका रोल कैसा रहेगा और कैसी स्टोरीज़ रहेंगी इसमें आ, तो ये जो सावधान इंडिया की नई पहल है सावधान इंडिया स्पेशल क्राइम सीरीज़ ये आ, 29 जुलाई से साढ़े दस बजे रात स्टार भारत पे आने वाला है और बेसिकली पहले सावधान इंडिया पहली बात तो एक बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है जो अब हम दिखाने वाले वो एक कड़ी के रूप में आएगा तो ऐसा नहीं है कि एक एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा पाँच एक घंटे का पांच एपिसोड्स हैं जो मंडे टू फ्राइडे दिखाए जाएंगे और एक आ, 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 मतलब एक यू नो एक्सपैंड करके उस स्टोरी को दिखाएंगे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट की गई है बहुत अच्छे से लिखी गई है uh, मेरा जो कैरेक्टर है वो सौंदर्य का है तो सौंदर्य की बहुत ही मिस्टीरियस लड़की होती है जो इस मीट्री पॉलिटिकल फैमिली में जाती है और कैसे वहाँ लहरें आने लगती हैं और कुछ कुछ चीज़ें होने लगती हैं और क्या वो रीज़न है वो मैं नहीं बता सकती हूँ बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो uh, मुझे परफॉर्म करने में बहुत अच्छा लगा बिकॉज में बहुत मल्टी लेयर्स थे और एज एन एक्टर एज अ जो कैरेक्टर आप प्ले करें उसके भी अगर लेयर्स होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यू नो सो आई थिंक इट्स अ ट्रिपल ट्रीट सावधान इंडिया है बहुत अच्छी स्टोरी है फ़र्स्ट टाइम आ रही है इस तरीके की स्टोरी सो प्लीज़ वॉच इट सुकृति बात करें अगर आपने अपना डेब्यू शो किया था जर्सी नंबर टेन से उसके बाद आपने काफ़ी सारे शोज किए हैं जिसमें प्यार की एक कहानी है काला टीका है तो तब से लेके आज तक में क्या डिफरेंस देखती हैं आप अपने आप में और इंडस्ट्री में आई थिंक इंडस्ट्री तो बहुत एक्सपैंड हुई है मैं एक्सपैंड नहीं हुई थैंक गॉर नो बट इंडस्ट्री काफ़ी एक्सपैंड हुई है कई ये सारे चैनल्स आए हैं नए कॉन्सेप्ट आए हैं सो इट इज़ रियली ग्रेट और मैंने देखा है कि इंडस्ट्री इज़ बिकम इट हैज़ जस्ट बिकम वाइडर ऐसा होता है ना कई टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी बट इट जस्ट बिकम वाइडर एंड मो ओपन आई फी मुझ में मैंने ये चेंज देखा है दैट आई थिंक मैं एक बेटर आर्टिस्ट हुई हूँ uh, मेरा सिलेक्शन ऑफ शोज़ और कैरेक्टर्स बेटर हुआ है एंड आई थिंक आई हैव कलेक्टेड अ गुड फैन बेस आपको बता दें कि सुकीर्ति कांतपाल बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं तो उसके बारे में भी इनसे जानते हैं ये सबसे पहले आप बताइए कि आप बिग बॉस में रही हैं काफ़ी कंट्रोवर्सी वहाँ पे होती है काफ़ी तरह की फ़ाइट्स भी होती है तो क्या कहना है वहाँ के बारे में आपका एक्चुअली बिग बॉस अपने आप में एक अनोखा शो है uh, तो बहुत अच्छा लगा था उसमें जाके और uh, उसमें रहना और उसको एक्सपीरियंस करना भी अपने आप में अनोखा था आई रियली हैड फन मे को मैं मैंने सलमान खान सर के साथ स्टेज uh, शेयर किया था एंड इट्स वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आप एक ही बार जाते हैं इट वॉज क्वाइट ग्रेट सुकी अगर आप मूवीज़ में आना चाहती हैं और सबसे पहले आप किसके साथ काम करना चाहेंगी किसको फॉलो करती हैं किसको आइडल मानती हैं अपना एक्चुअली आई के नॉट रियली नेम एनी वन एज एन आइडल बट हाँ फिल्मों में मैं आना चाहूँगी तो मैंने एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि टेलीविजन से ही कभी टाइम नहीं मिला बट आर डेफिनेटली इफ आई है गेट अ डेब्यू आई वुड वॉन्ट अ रोमांटिक कैलाश खेर की एक, एक एल्बम आई थी टू थाउजेंड नाइन में आई थी उसमें भी आप दिखाई दी थी क्या उसके बाद भी आप किसी वीडियोस में ऐसे कुछ आई आपने डेप्थ एनालिसिस तो किया मेरे बारे में नहीं मैंने अभी कोई वीडियो असाइनमेंट नहीं लिया है बट ये वो सुकीर्ति आर नाइन टी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो हमारे साथ थी सुकीर्ति कांडपाल जो आज लखनऊ में मौजूद थी संदीप खेर कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ आर नाइन लखनऊ